अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर आफियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी तमाम मुश्किलें, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब दूर कर दे, और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही झटपट बनने वाली, एक नहीं दो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट और दही बल्ले। दोनों रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही आसान है ये रेसिपी। तो यहाँ देखें, मैंने आधा किलो ली है दही, आधा किलो दही मैंने पैकेट वाली ली है, आप फ्रेश भी ले लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने बाजारी फुलकियाँ ली हैं, इनको मैंने नीम गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के इस तरह से रख दिया था। नीम गर्म पानी में आपने इसे पकाना नहीं है, नीम गर्म पानी करके फ्लेम ऑफ करके इसे डाल के छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, ये अच्छे से फूल जाएंगी। ये देखें बड़ी हो चुकी हैं। और आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों के साथ साथ ही शेयर करूँगी। तो चलें, सबसे पहले हमने यहाँ पर दही बल्ले बनाने हैं। चलें, सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लेना है हमने, और बड़े बाउल में दही को हमने डाल के अच्छे से दही को यहाँ पर फेंट लेना है। अगर आप लोगों को मेरी ये दोनों रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलें, अच्छी तरह से यहाँ पर दही को फेंट लेते हैं। चलें, अब यहाँ पर दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब यहाँ देखें, एक खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर बाजारी समोसे मसाला जो होता है वो है मेरे पास। अगर आप लोगों के पास ये नहीं हो तो एक खाने का चम्मच आप लोग चाट मसाला ले लीजिएगा इसकी जगह, कोई मसला नहीं है। मेरे पास बाजारी यहाँ पर समोसे का मसाला है तो मैं इसे डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून मैंने यहाँ नमक लिया है, क्योंकि समोसे मसाले में भी नमक है। और यहाँ पर मैंने चटनी ली है धनिया पुदीना हरी मिर्च की, ये 1 से 1.5 खाने के चम्मच है, इसे भी डाल लेंगे दही में। ये दही भल्ले बहुत ही ज़्यादा आसान और मज़ेदार होती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ देखें फुलकियाँ हैं, मैंने इसका पानी निकाल लिया है, अब फुलकियों को भी इसके अंदर डाल लेंगे दही में। आप लोग चाहें तो इसे ठंडा करके भी डाल सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं। चलें, अभी इसे चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लेना है। चलें, अभी इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पर नमक चेक कर लीजिएगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक लिया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारे दही बल्ले रेडी हो गए हैं, बहुत ही झटपट तरीके से। बस आप लोगों के पास मेहमान आ जाएँ अचानक से तो आप लोग 10 मिनट के लिए फुलकियाँ भिगो के रख दें इसको, और फ़ौरन से ये दोनों रेसिपी बना लें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो चलें, दही बल्ले हमारी रेडी हैं, फ्रूट चाट रेडी कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर फ्रूट चाट के लिए मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है, फ्रूट ज़्यादा है मेरे पास। यहाँ पर मैंने 3 अमरूद लिए हैं, आप लोग फ्रूट अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, और कोई से भी फ्रूट जो आप लोगों को पसंद हो आप लोग ले लीजिएगा। और यहाँ मैंने 4 अदद केले लिए हैं, इनको भी कटिंग करके रखी है मैंने सारी, ताकि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबी ना देखनी पड़े, इसलिए मैंने हर चीज़ यहाँ पर रेडी करके दिखाई है आप लोगों को। अंगूर लिए हैं मैंने यहाँ पर, 1 अदद अनार के लिए हैं, और यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के यहाँ एप्पल की कटिंग की है। यहाँ पर मेरे पास है 1/2 टीस्पून नमक है, और 2 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ चीनी है। चीनी और नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ चाट मसाला लिया है, चाट मसाला मेन इंग्रेडिएंट्स है इस चाट का, लाजमी डालिएगा। और इस चाट को मज़ेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 स्लाइस लिया है, ये पूरा नहीं ऐड करना है, मैं आधे से कम यहाँ स्लाइस डालूँगी, ये आप लोग लाजमी डालिएगा फ्रूट चाट में। आप लोग देखिएगा ये बहुत ही मज़ेदार से चाट बनकर तैयार होंगे हमारे। और यहाँ पर मैंने लिया है जामे शीरी है, यहाँ पर ये डाइट वाली जामे शीरी है, अगर आप लोगों के पास रू अफ़ज़ा भी है तो आप लोग यहाँ रू अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर जामे शीरी डालना है, इसका भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट होता है इस फ्रूट चाट में। एक दफ़ा आप लोग लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो चलें, अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलें, अभी ज़रा अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है सारों को। चीनी आप लोगों को अगर 2 खाने के चम्मच यहाँ कम लगे तो आप लोग अपने हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। चलें, यहाँ पर मैं हाथ से मिक्स कर लूँगी, हाथ से ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी इनको आप बड़े बर्तन में अच्छे से मिक्स करके फिर छोटे बाउल में डाल लीजिएगा। चलें, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है, चीनी भी यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गई है। चलें, अब इसे बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चलें, ये देखें मैंने फ्रूट चाट को बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है, और हमारे दही बल्ले भी रेडी हैं यहाँ पर। थोड़े से मैंने यहाँ पर चाट मसाला लिया है ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। ये देखें हमारी बहुत ही मज़ेदार सी दोनों रेसिपी बनकर तैयार है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।